स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की ओर से विवादित बयान देने की शायद होड़ बची हुई है। कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक विवादित बयान सामने आया और अब कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने विवादित टिप्पणी कर दी। जिस आधी आबादी को कांग्रेस महालक्ष्मी गारंटी के जरिए साधने की कोशिश में लगी है उसी आधी आबादी के खिलाफ कांतिलाल भूरिया के बोल बिगड़ गए। तो आखिर क्या है कांतिलाल भूरिया के बयानों के मायने और कितने खरे हैं इस बयान पर बीजेपी के दावे, आपकी आवाज में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जिसकी दो बच्चे तो दो लोग पहले शादी करने वालों को दो दो लाख रुपए का वादा और फिर अपने ही विवादित बयान पर ठहाके लगाना। ये है कांतिलाल भूरिया। ये माननीय रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राहुल गांधी की इस गारंटी को समझाते समझाते कांतिलाल भूरिया की जुबान ऐसी फिसली कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली कांग्रेस की गारंटी महिला विरोधी साबित होने लगी। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी दो पत्ते तो दो लोग जाएगा। जिस दौरान कांतिलाल भूरिया दो दो शादी और 2 लाख रुपए वाली स्कीम का वित्तांत सुना रहे थे उस समय वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। बीजेपी कांतिलाल भूरिया के बयान को महिला अपमान के साथ साथ मुस्लिम तुष्टिकरण से भी जोड़ रही है। मैंने सिर्फ व्यंग के रूप में कहा था। सभा में बैठे एक आदिवासी युवक द्वारा पूछा गया कि उसकी दो पत्नी है तो क्या उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में इसकी कानूनी अनुमति है, इसलिए मैंने व्यंग के रूप में कहा गया। हम हर महिला को 1 लाख रुपये हर साल की गारंटी कांग्रेस सरकार में देंगे, मतलब हर महिला को 8,500 रुपये हर महीना मिलेगा। पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान की का बदला लेगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवालों में है और अब कांतिलाल भूरिया के बयान को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर बीजेपी अपने आरोपों को और धार दे रही है। 13 मई को रतलाम झाबुआ में चुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से विवादित बयान देने वाले कांतिलाल भूरिया वहां मैदान में हैं। बीजेपी ने अनीता सिंह चौहान को चुनाव में उतारा है। अब चुनाव के बीच आधी आबादी को नाराज करने वाला कांतिलाल भूरिया का ये बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिस आधी आबादी को कांग्रेस अपने पक्ष में लाने के लिए नारी न्याय गारंटी का दांव चल रही है, कांतिलाल भूरिया ने उसी की अजीबोगरीब व्याख्या करके बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।